अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं दाल चावल और इसमें हम चने की दाल बनाएंगे और ज़ीरे वाले चावल। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चावल बना लेंगे और इसमें हमने 50 ग्राम के करीब बटर ले लिया है। आप चाहें तो ऑयल या घी या जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं ले सकते हैं। साथ में एक चम्मच हमने ज़ीरे का इसमें ऐड किया है। अब थोड़ी देर के लिए इस ज़ीरे को फ्राई कर लेंगे बटर के साथ। एक से दो मिनट ही फ्राई करेंगे तो इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और अब हमने इसमें इतना पानी डाल दिया है जितने कि हमने चावल लिए थे उससे डबल पानी लिया है। एक चम्मच हमने इसमें नमक का ऐड कर दिया है और अब हम इस पानी को बॉयल होने देंगे। पानी बॉयल हो चुका है और अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। दो कप हमने चावलों के लिए थे जो कि हमने 15-20 मिनट पहले भिगो कर रख लिए थे, और चार कप हमने इसमें पानी के डाले थे, यानी कि पानी चावलों से डबल होना चाहिए। चावल हमने ऐड कर दिए हैं, मिक्स कर दिए, और अब हम इस पर हाफ लिड रख देंगे, यानी कि थोड़ा सा लिड ओपन होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे इनका पानी ड्राई कर लेंगे। और ये देखें 5-7 मिनट ही हमने इसको पकाया है थोड़ा सा लिड ओपन करके, तो मोस्ट ऑफ द पानी जो है वो ड्राई हो गया, बस थोड़ा बहुत ही इसमें पानी है। अब हम इसमें एक दो हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। और अब हम इस पर फुल लिड बंद करके वेरी लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए दम दे देंगे ताकि चावल गल जाएं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, चावलों को हमने वेरी लो फ्लेम पे लिड बंद करके दम लगा दिया था। अब इनका सारा पानी खुश्क हो चुका है, चावल गल चुके हैं उसी स्टीम में और थोड़े से पानी में। तो अब हम इनको एक दफ़ा फाइनली मिक्स करेंगे और देख लेंगे कि चावल अच्छे से गल गए हैं या नहीं। चावल अच्छे से गल चुके हैं और चावल बिल्कुल जुड़े भी नहीं हैं, उनका एक एक दाना अलग है। अब हम फाइनली इसमें गार्निश कर देंगे। स्प्रिंग अनियन है हमारे पास जो कि आमतौर पर हम अपने फ्रीज़र में रख लेते हैं काट के। थोड़ा सा हरा धनिया है, एक दो हरी मिर्चें हैं, इनको भी ऐड कर देंगे। थोड़ा बहुत इनको मिक्स करेंगे और ये ज़ीरे वाले चावल हमारे तैयार हैं। अब हम इस पर लिड रखेंगे और चावलों को हम साइड पर कर देंगे। अब हम बनाएंगे दाल। तो दाल बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये 2 चम्मच पकाने वाले कुकिंग ऑयल के लिए हैं। थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 2-3 खड़े मसाले डाल देंगे। इसमें हमने सिनेमन स्टिक का एक छोटा सा पीस डाला है और 1/2 चम्मच हमारे पास काली मिर्चें थी साबुत, वो ऐड कर दी हैं। 1 चम्मच के करीब हमने ज़ीरा ऐड किया है और इन खड़े मसालों को बस थोड़ा बहुत हिला लेंगे। साथ ही हमारे पास एक छोटे साइज का अनियन है, इसको हमने काट लिया है, थिनली स्लाइस कर लिया है और इसको भी ऑयल में ऐड कर दिया और इसको अब 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अनियन के किनारे जैसे ही गोल्डन हो गए हैं साइडों से, हमने इसमें एक छोटे साइज का टमाटर ऐड कर दिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे और स्पाइसेस में हमारे पास 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है और 1/4 चम्मच हल्दी का है। टमाटरों के साथ ही हम इनको फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हमने इनको मसालों को भूनना है। थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाला है, 2-3 चम्मच पानी डाला है ताकि मसाले जले ना और टमाटर भी नरम हो जाएं और एक अच्छा सा मसाला हमारे पास तैयार हो जाए। ये देखिए मसाला हमारे पास तैयार हो गया है। अब हमने 1 कप चाय का भर के जो है चने की दाल का लिया था और इसको हमने भिगो दिया था। 4 से 5 घंटे हो गए हैं दाल को भीगे हुए। ये दाल हमने इस मसाले में ऐड कर दी है और इस दाल को भी हम भून लेंगे इन मसालों के साथ। दाल को मसालों के साथ भूनने का फ़ायदा ये होता है कि दाल में जो कच्चापन होता है या कच्चा कच्चा टेस्ट आता है पकने के बाद, वो नहीं आएगा क्योंकि दाल भुन जाएगी और उसका जो स्मेल है कच्चे होने की वो निकल जाएगी। साथ ही हमने 4 से 5 क्लोव ऑफ गार्लिक डाल दिए हैं। 2 बड़े गिलास हम इसमें पानी के ऐड करेंगे जिसमें दाल गल जाएगी। 2 बड़े गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं। पानी ऐड करने के बाद अब हमने इस दाल को गलाना है। अब आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में पका लें, 3 से 4 सीटियां लगेंगी और ये दाल गल जाएगी, और चाहें तो हमारी तरह बगैर कुकर के लिड रख के पका लें। इस तरह से 15 से 20 मिनट लगते हैं मीडियम फ्लेम पे दाल को गलने में। चने की दाल जल्दी गल जाती है यहाँ पर। तो ये हमने दाल को गला लिया है, 15-20 मिनट हमने मीडियम फ्लेम कर दिया था, दाल हमारी गल गई है। और इस तरह से अब हमने इस दाल को मिक्स कर लेना है। ये जो गार्लिक है इसको भी प्रेस करके इस तरह से मिक्स करते जाना है। दाल में हम चमचा चलाते रहेंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। 4 से 5 मिनट ही पकाएंगे तो ये एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगी
और ये इस हालत में आ जाएगी कि कुछ दाने तो इसके टूट जाएंगे और कुछ दाने इसके शेप में रहेंगे। और ये देखें दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया और एक दो हरी मिर्चें काट के मिक्स करेंगे और इसको दूसरे चूल्हे पे लो फ्लेम पे रख देंगे और इतनी देर में तड़का तैयार कर देंगे। इसके लिए हमने एक चम्मच कुकिंग ऑयल का लिया है एक फ्राइंग पैन में, 5 से 6 क्लोव ऑफ गार्लिक थे उनको हमने इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है, थोड़ी देर के लिए उनको फ्राई किया है, ज़रा से वो गोल्डन हुए हैं तो एक चम्मच हमने इसमें क्रश चिली का और एक चम्मच इसमें जीरे का ऐड कर दिया है। जीरा और क्रश चिलीज ऐड करने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये मसाले जल जाएंगे। बस इनको ऐड करने के बाद हमने साथ ही स्टोव ऑफ कर देना है। अब हम इस तड़के को दाल में ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। जैसे ही इस तड़के को हम दाल में ऐड करेंगे दाल की कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, दाल में बहुत ही प्यारी कुकिंग ऑयल की चमक आ जाएगी और ये सारे फ्लेवर्स भी दाल में रच बस जाएंगे। और ये देखें कितनी प्यारी इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है और कलर भी कितना खूबसूरत हो गया है, कुकिंग ऑयल की वजह से इसमें बहुत प्यारी चमक आ जाती है। तो दाल हमारी तैयार है, अब हम स्टोव ऑफ कर देंगे। और इधर हमारे जीरे वाले चावल और चने की दाल, तो ये हमारे आज दाल चावल तैयार हो गए हैं। एक प्लेट में इसको निकालते हैं, थोड़े से हमने चावल निकाल लिए हैं और अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। दाल हमने ऐड कर ली है, अब हम इन दाल चावलों को थोड़ा बहुत सलाद से गार्निश कर देंगे। थोड़े से हमने अनियन इसके साथ रख दिए हैं, टमाटर काट के रख दिए हैं 1-2 पीस, आप चाहें तो अचार रख लें, दाल चावलों के साथ अचार भी बहुत मज़ेदार लगता है। और इस तरह से सलाद के साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। ये तो थी हमारी दाल चावल की रेसिपी जो कि बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत ज़्यादा इनको बनाने में टाइम नहीं लगता। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।